पूर्व में ये क्षेत्र पूरा बयाबान और निर्जर इसलिए पड़ा हुआ था कि भगवान आदिनाथ की प्रतिमा एक झरोके में एक डेरे में स्थापित थी, और वहाँ पे जब परम पूज गुरुदेव मुनिपुंगा सुधा सागर जी महाराज इस क्षेत्र में पधारे और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अतिशयकारी प्रतिमा को जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा है इसको आपने इस झरोके में क्यों रखा हुआ है, तो इसको बाहर निकाला जाए। तो जब बहुत सारे लोगों ने इसमें कोशिश की लेकिन वो बाहर प्रतिमा नहीं निकली, पूज्य गुरुदेव ने एक 5 मिनट का ध्यान लगाया, उसके बाद सिर्फ 4 आदमियों से वो मूर्ति निकाल के ऊपर उच्चासन पे स्थापित हो गई। 1998 में यहाँ पे 46 मूर्तियों का डकैतों ने खंडित किया, और उस समय एक उन्हीं का साथी आदिनाथ भगवान के शरीर से लिपट गया, प्रतिमा जी से लिपट गया कि आप सबको खंडित कर दो लेकिन इसको मैं नहीं तोड़ने दूंगा। तो उनका जो मुखिया था उसने कहा भाई तू मेरी काम कर रहा है कि क्या कर रहा है, बोला नहीं आपको मेरे को भी मारना है तो मार दो लेकिन इस प्रतिमा जी को मैं खंडित नहीं होने दूंगा। ये बात जब वो चोर पकड़े गए उन्होंने ही ये बात अपने मुख से बताई कि हमारा जो साथी था वो लिपट गया था, इसलिए आपके मूलनायक आदिनाथ भगवान बचे हुए हैं।